हरे कृष्णा। आज के गीता वीकली में आप सभी का स्वागत है और आज हम एक विशेष प्रश्न लेने वाले हैं। लोग पूछते हैं, क्या सच में भगवान हमारी इच्छाओं को, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं? तो आइए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया भगवद्गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 22 में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमां वहाम्यहम्। भगवान ने कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्। अनन्य, ये शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है और समझने योग्य है। अनन्य यानी कि अब और किसी अन्य वस्तु को मैं अपने जीवन में नहीं लाता हूं, सिर्फ कृष्ण ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। अकिंचन भजन, किंचित मात्र भी किसी और चीज का मैं चिंतन नहीं करता हूं, केवल कृष्ण। इसे कहते हैं अनन्य, अन्य और कुछ नहीं। अनन्य चिंतयंतो माम, चिंतन करता है जो व्यक्ति हमेशा 24 घंटे मेरा, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? अनन्य चिंतन, चिंतन यानी कि नवदा भक्ति बताई गई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवण कीर्तन और स्मरण, तो स्मरण को चिंतन के रूप में समझना चाहिए, यानी कि जब हम अच्छा जाप करेंगे, अच्छी कथाओं का, भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण करेंगे और हम भगवान की गीता अन्य ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? स्मरण बनेगा। श्रवण कीर्तन अगर अच्छा होगा तो स्मरण बनेगा, चिंतन बनेगा। तो भगवान कह रहे हैं 24 घंटे अन्य और किसी चीज का चिंतन नहीं करता। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते, और जो मेरी उपासना ठीक रूप से करता है, यानी कि जैसे हमारे शरीर में अगर उदर में भोजन न डाला जाए, पेट में भोजन न डाला जाए, तो कभी कभी उसके परिणाम स्वरूप आंखों में कमजोरी आ जाती है, दिखना बंद हो जाता है। आदमी कहता है मेरे को धुंधला दिख रहा है। आजकल जैसे कोरोना में लोग बीमार पड़ जाते हैं तो कमजोरी के कारण देख नहीं पा रहे हैं, बड़ी ही परेशानी रहती है। ऐसी अवस्था में अगर कोई चाहे, चलो मैं कुछ रोटी कुछ गुलाब जामुन अपनी आंखों में डाल लूं, क्योंकि आंखों से दिख नहीं रहा तो भोजन अंदर नहीं जाएगा। अगर उसको आंखों की रोशनी तेज करनी है, उसको सही रूप से देखना है, तो पेट के अंदर उसे खाना डालना पड़ेगा। तो ये उदर कौन है? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वो उदर मैं हूं। यानी कि सही रूप से उपासना, कितने ही देवताओं की उपासना नहीं करनी है, भगवान कह रहे हैं माम यानी मेरी उपासना तुमको करनी है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां। जो व्यक्ति नित्य युक्त रहता है मेरे भजन में, चिंतन में, कीर्तन में, जाप में, श्रवण में, अध्ययन में, अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाता रहे, साथ में चिंतन रूप से भगवान का करता रहे। जैसे उदाहरण आता है, आपने गांव में देखा होगा कि स्त्री जो होती है वो सिर के ऊपर मटके लेकर के चलती है और एक दो मटके पानी के भरे होते हैं और गोदी में बच्चा उठाया होता है, लेकिन एक भी मटका गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो साथ साथ में उसका चिंतन कर रही होती है कि कुछ गिर ना जाए, तो वो बैलेंस बन जाता है। ऐसे ही जब हम नित्य अभ्यास करेंगे तो हम अपनी रोजमर्रा के काम करते करते भगवान का चिंतन भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि काम छोड़ करके ही चिंतन किया जाए। जैसे जब हम कार चलाना सीखते हैं तो बड़े ध्यान से एक्सीलेटर क्या है, गियर क्या है, ब्रेक क्या है, और कई बार उसमें एक्सीडेंट भी करते हैं, लेकिन जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं फिर चलाते हैं स्टेयरिंग पे बैठ के आराम से, और हमें मालूम ही नहीं पड़ता, हम फोन पर भी बात कर लेते हैं, हम भजन भी सुन लेते हैं और हमारी कार भी अच्छे से चल रही होती है। तो ऐसे धीरे धीरे प्रयास करते करते हमें अपने जीवन के कार्य करते करते भगवान का चिंतन करने की आदत पड़ जाती है। और जो व्यक्ति इस प्रकार 24 घंटे भगवान का चिंतन में रह सकता है, भगवान कहते हैं उसका मैं क्या करता हूं? योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो उसके पास नहीं है वो मैं उसे प्रदान करता हूं और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। आप कहेंगे ऐसे कोई उदाहरण? हाँ, बहुत उदाहरण है। योग शब्द का अर्थ है, शास्त्र में बताया गया कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, भगवान आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे यानी जरूरतों की।
आपकी इच्छाओं की नहीं, भगवान आपके गुलाम नहीं है कि जो आपने इच्छा करी तो भगवान उसे पूरा करे। लेकिन जो भगवान का भजन करता है, भले ही वो इस बात को भगवान से मांगे ना मांगे, भगवान उसकी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। जैसे छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, उसकी फीस कितनी है बच्चे को नहीं पता होता, उसे भोजन कौन सा खाना है उसे नहीं पता होता, उसके माता पिता जिम्मेदारी लेते हैं कि इसकी स्कूल की फीस क्या है। जैसे हम भगवान पर निर्भर होना सीख जाते हैं, भगवान हमारी जिम्मेदारी लेते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, प्रहलाद के पिता ने उस हिरण्यकश्यपु ने इतनी बार मारने का प्रयास किया, हाथियों के पैर के नीचे दबाया, पहाड़ से फेंका, लेकिन उन्होंने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, फिर भी भगवान ने उनकी रक्षा करी, भगवान ने उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करी। हम देखते हैं कि एक बहुत पुराने एक भक्त हुए हैं उड़ीसा में, जिनका नाम था अर्जुन आचार्य, उन्हें गीता पंडा के नाम से जानते थे क्योंकि वो गीता का पाठ किया करते थे। तो गीता पाठ करते करते उन्होंने एक बार भगवत गीता पढ़ रहे थे और उनके घर में बड़ी गरीबी थी, कई दिनों से खाने के लिए कोई भोजन नहीं था। तो उनकी पत्नी ने कहा, आप इतना भजन करते हैं फिर भी भगवान हमारी जरूरतें क्यों नहीं पूरी करते हैं। तो उन्होंने जब ये श्लोक पढ़ा, कहा भगवान उस भक्त की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं, तो उन्होंने एक पेन लिया और पेन लेके इस श्लोक को पूरा काट दिया और कहा यह बिल्कुल गलत श्लोक है, भगवान कभी जरूरतें पूरी नहीं करते हैं अपने भक्त की। और फिर इसी दुख में वो चले गए। जब अपने घर से चले गए कि चलो आज मैं कोई भिक्षा मांग के लाता हूं, शायद कुछ मिल जाए मेरे प्रयास करने से, तभी देखते हैं कि घर पर दो बच्चे आए, एक काला था एक गोरे रंग का था, एक बैलगाड़ी में भर के दूध दही चीनी सब लेकर के उस अर्जुन आचार्य के घर पे पहुंचे। तो उनकी पत्नी थी, उन्होंने कहा अरे आप लोग कौन है? कहा आपके पति देव हमें स्कूल में पढ़ाते हैं और हमारे पिताजी जो हैं उनके पास में वेतन इकट्ठा होता है, तो हमारे आपके जो पति देव हैं वो कभी पैसा लेते नहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे आपको पैसा दे दूंगा। तो सैलरी ना लेने के कारण आज आपके पति देव की जरूरत थी, तो इसलिए उन्होंने ये भिजवाया है हमारे पिताजी ने, लेकिन हम जब लाने को तैयार नहीं थे कि हम नहीं जाएंगे, आप ही मास्टर जी ले जाइए, तो मास्टर जी ने क्रोध में आके हमें बहुत मारा। तो उसकी पत्नी कहती, क्या मेरे पति ने मारा? मेरे पति कभी किसी को नहीं मार सकते। कहा देखिए हमारी पीठ पे लाल लाल रंग के निशान पड़े हुए थे। कहा लाइए मैं मलम लगा देती हूं। तो थोड़ा सा हल्दी का लेप लगाया, कुछ और औषधियां लगाई। कहा अब कैसा लग रहा है? कहा अब ठीक लग रहा है। तो इस प्रकार से अर्जुन आचार्य जब वापिस आए तो उनके घर में खीर बन रही थी, दाल चावल सब्जी बन रहा था, खुशबू आ रही थी, भगवान का भोग लग रहा था। कहा अरे ये कैसे, आज इतना सा प्रसाद कैसे बन रहा है? तो बोले आप ही ने तो भिजवाया है, आप ही के स्कूल के बच्चे लेके आए थे, लेकिन आपने एक बात गलत करी, आपने मारा क्यों उनको? मारना नहीं चाहिए था, उनकी पीठ पे लाल लाल निशान पड़ गए थे, मैंने लेप लगाया तो ठीक हो गया। तो दौड़ करके अर्जुन आचार्य गए और अपनी भगवद गीता को खोला तो देखते ही हैरान रह गए कि भगवत गीता के अंदर जहां लाल रंग से निशान लगाया था वो गायब हो गया। आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गए, आकर अपनी पत्नी के पैर पकड़ लिए, कहा तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हारे हाथ से आज कृष्ण और बलराम ने भोजन ग्रहण किया है, तुम्हें दर्शन दिए, मैं बड़ा आभागी हूं, गीता का पाठ तो करता था लेकिन भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास टूट गया कि भगवान अपने भक्त की जरूरत पूरी करते हैं। तो योग भगवान आवश्यकताएं पूरी करते हैं, जरूरतें पूरी करते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे। और शेम यानी कि भगवान रक्षा करते हैं। हम देखते हैं पांडवों को भगवान ने जो उनका था उसकी रक्षा करी, उनको हस्तिनापुर का राज्य प्रदान किया। जस्तु पांडव पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन, क्योंकि उनके पक्ष में जनार्दन थे इसलिए पांडव पुत्रों की विजय हुई। जहां कृष्ण है वहां विजय संभव है। तो आप ये देख सकते हैं कि पांडवों ने भी रक्षा प्राप्त करी, भगवान ने उनका जो राज्य था वो राज्य उन्हें प्रदान किया। इतना सारा युद्ध होने के बाद भी पांडव विजय हुए और दुर्योधन आदि सैकड़ों की संख्या में होने के बाद भी हार गए, क्योंकि वो कृष्ण भजन नहीं करते थे। तो इसलिए कृष्ण भजन करना चाहिए। और योगक्षेमम का एक अर्थ और अन्य अर्थ ये समझना चाहिए कि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। योग शब्द होता है जुड़ना। तो जब हम इच्छा करते हैं कोई जीवात्मा की हमें भगवान की सेवा करनी और रात दिन 24 घंटे भगवान के चिंतन में रहते हैं, तो शरीर छोड़ने के बाद योग यानी भगवान के धाम में हम चले जाते हैं। और शेम यानी कि भगवान पुनः इस
भौतिक संसार में जन्म मृत्यु चक्र के संसार में हमें गिरने नहीं देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो एक अन्य अर्थ भी आचार्यों ने बताया, योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान जरूर अपने भक्त की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं और जो उनके पास है उसकी अवश्य में रक्षा करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग भी नहीं डरेंगे और भगवान का भजन करेंगे, भगवान आपकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा।